आदरणीय मंच पर उपस्थित विद्वज्जन तथा आदरणीय भिक्षु संघ और जो भी विद्वान और छात्रगण उपस्थित है, सबका मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम प्रदीप गोखले, मैं यहाँ रिसर्च प्रोफेसर के रूप में ये 4.5 साल से यहाँ मैं हूँ। मेरे लिए यह बहुत अच्छा अवसर है कि राजाराम शास्त्री शुक्ल जैसे विद्वान की पास में बैठकर उनका जो न्याय के बारे में जो विद्वत्तापूर्ण विवेचन है वह सुनना, ये जो भी मैं बोलूँगा उसका शायद अनुवाद होगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि तो अब जो चर्चा होनी है, मुझे लगता है कि दो उसमें चीज़ें हो सकती है। एक तो क्लैरिफिकेशन, यानी जो भी राजाराम शुक्ल जी ने कहा है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि ठीक से वह उसका आकलन ना हुआ हो, कुछ अस्पष्टता हो, वह स्पष्टता लाने की दृष्टि से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो एक पक्ष प्रस्तुत किया है वह न्याय दर्शन का पक्ष है, और आप में से बहुत सारे लोग बौद्ध दर्शन के विद्वान हैं, बौद्ध प्रमाण शास्त्र के विद्वान हैं, तो कुछ सीमा तक दोनों में साम्य हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं दोनों में अंतर हो सकता है। तो जहाँ साम्य है और जहाँ अंतर है, ज़्यादातर जहाँ अंतर है वह कहाँ है, यह अगर चर्चा में सामने आए, उसके आगे जाकर पूर्व पक्ष सिद्धांत पक्ष जैसी चर्चा हम आज शायद नहीं कर सकेंगे, युक्तियाँ देकर उसका उत्तर देकर, कम से कम कहाँ अंतर है यह भी अगर अच्छी तरह से समझ ले तो भी यह एक उपलब्धि होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। शुभ है कि लोग छोटा एने सूंसे नागे एने गेंदू गिदे तेने से इने खेबा नंबर छोटा अने लुप्टु नंबर छो अने गोखले ये मिंगला गोखले सिमशिबे की लोबे छो प्रोफेसर छेने लोशी छेगा दोसू एने तीन गिदे खोखा संगोरा बदी एने रिपा चेम्बे की लुबें चेम्बो राजाराम शुक्ला खोंगी ठीला देने सुनो एने रिपा चेम्बे शुंकोला एने थोया राबादी माराला खोकप संगोजी यहीं समगिदो एने तत थिरिंगी खोंगी दिखासा सुंशे दी नांग साबारे तत नांगाजो डोलेंगी थुजुरे द्वारे ठिबा ठिलेंगी थुजुरे द्वारे दी इंदी गाना डोलेंग दी एने खारसोता नांग दी गाला नारांगी समझु छेबे ना एने छोंगी नि सुनो छेगोया सुरु छेदो थांगबोदी खर्सना सेशे छेगोय दिना एने कोआ माथेबा मालेबाला सोबाताया चिक थेजम सावा सोबा छोंबैना एने देनेगे सा ने देना योना देने कप्सुल नेंगा देना योना दि कोला एने सेशे शुयादा निबादी खोरोंगी नि खोंगी खर्से रिबाचेंबेगी शुंगदा रिबाचेंबेगी तडुपती मा तेला फाबा सोंजा एने देला एने शुगे दुजुदा सेंखे नंबर जो खांगा एने नांगबे की तटु सेंखे दा एने छेमे की खेबा क्यांग क्यांग इंबा सोंजा एने खरसोता नांगबे की छेमा दा एने रिबा चेंबे की शुंगी ला या थुंबे छो दा मिथुंबे छो निगा योंसी बारे थुंबे छो दिनजुला या खरसोता दिगम्स की खरसोता टोलिंग छे वा दिना दा युआ मारे इना या मिथुन बेचो दान खावा ला इन खेबर सूक्ष्म बुआ दे ला इन खरसो आता जो डोलियां छे को दी इन छा दे रे खरसो आता ठेगा इन खरसो जो कि धंजी शिव ने चबा चो दी गाला इन छोंगा को छे इन रंगलू शाह सिंह सुटुबिया जो रहा दिंदी की चबा मई बछे इन खरसो आता जो कि खांग खोंग शिव ने सी की इन नंबर नंबर नी की थोड़ा सुनो तादा नी की थोन सुनो अने हाँ जो कि टोलेंग छेबे ना अने धंधा दें बजी होंगे रे समझो धंधा ता राजाराम शुक्ला
공고단다 송시에 두스나야네 엔행아도데 냠도 데세 롤라체 고고 좀바데라 안네네 가부 종스 쉐로나스 쉐이 아니 다 좋아데 가인세나 아 코랑게 단다 아 송시에난데 좀바 담보 안네 가도 참여교라 안네 년제데 메세 유출도 란도 다견냐라 미베 안네 년제데 메세 유출도 요레스 이마이나야 안에 제 장송다다지 로번터서 땡주에 짬네 괴바로든 가란 수교고 메시스도 여대 년제도 오 공부도 다야치도 오도스레 선서 땡제 인자 아지 모바나 안에 가란 수교라 여대 년제데 수소라다 장진생게 꾸내라는 년제 기야지요로와 땡나지엔게 순제 탐제라 미니 오 공부든 로야 땡제 요르베 순제 강가로라 자님게 되는 년제 기토에 영 고야 오 공부도 손에 든지 지용 투구로 해서 두 수해 찍든 되네 연주 니버지 안 레리 레리 다 아 पहले तो आपने इस प्रकार का विशेष यहां पर अपना जो निबंध है या शोध पत्र है उसको प्रस्तुत किया इसके लिए आप जो है बहुत आपके प्रति जो है कृतज्ञता या धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं उसके बाद जैसे शुरू में आपने कहा था कि हम लोगों के अंदर जो है करुणा जो है बहुत मतलब न्यून अवस्था में या अस्पष्ट रूप से है और उसकी हम लोग तत्व चिंतन करके उसको जो है हम लोग अपने में जो है प्रकट करना चाह रहे हैं या उसको महाकरुणा में बदलना चाह रहे हैं तो ये जैसे हम स्वयं जैसे होते हैं तो क्या ये महाकरुणा समस्त तत्वों में हम लोग उसको प्राणी मात्र समस्त जो प्राणी मात्र हैं उनमें उसका उद्भव हो सकता है उसका उत्पत्ति हो सकती है मैंने हाँ उत्पत्ति हो सकती है लेकिन मैंने इस बारे में कहा था कि हमारे में और ऋषि में हम जो सामान्य जीव हैं और योगी ऋषि उनमें अंतर क्या है कि हमारी करुणा सीमित है और ऋषियों की करुणा असीमित है इसलिए वे परम कारुणिक हैं उनकी दृष्टि में पूरा विश्व है हमारा समाज छोटा है हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और उनका परिवार विस्तृत है मैं एक वाक्य सुनाऊंगा जगदेव दुख पंक निमग्नम उद्दिधीर्षु ऋषि को कहा गया है वो इस समग्र संसार को संसार में कीट पतंग से लेकर महामानव तक है उन सबके उद्धार की कामना उनमें है इसलिए वे परम कारुणिक है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भी वैसे बने हम भी ऋषि बने ऋषि हम कब बनेंगे जब हम अयम निजः परो वेति का भाव छोड़े ये मेरा है ये अपना है हम अपने समाज को विस्तृत करें पूरे संसार के प्रति अपने मन में करुणा लाएं तब हम उस श्रेणी में पहुंच सकेंगे और इसी का उपदेश शास्त्र देता है शास्त्रकारों ने केवल यही बताया है कि निज पर का भाव त्याग दो परम करुणा आप में अपने आप में आ जाएगी Dela, deni ngazogi gongla korangi tsungpeka layang ngazo penna dangzonda ngazogi paragi da khyabardi chewayi na penna ngazo chirdangi semjenjik dang ani dangzong ngonegi da kewu chodugirwa di chadugir dizo la nyingje dawa shashe na ngazo la nyingje di chungwa che ani khonzo la ngeje che ngeje dawa chadugir khonzo di che ngeba meba asimit se ne di chadugir Di nangshiki penna ngazu dawayi na suzuki kor dawayi na kor pe nyung nyung chik yo pa, rwa? Dina dawa chaadu kiyo re, ani kor nyung nyung chila ku nyingche kiya yo re. Ani khonzo penna dangzong dang ke wu dangpa di zuyin bayi na khonzo ki kor yang mangpo che, mangpo chik laya di che jo kore. Taka nangshiki dangzong di zuyin bayi na ta ngazu bu yan chen ne, doldu na semche yodo chok laya khonzo nyingche yueba chik chaadu kiyore nga su dinda yomare. Hinna yang nga su yang khonso nangshin ki ani dinda nyingje shenpo chaya ki mundu yobbe tohne nga su besu jebayi na di tenten ta yongcho kiyores di mayunga yomare. Penna nga su ki yakbo yongdang mayung di ta rangdang shen, pardang nishtene da korangi sunangi duwa. So su ngayr, ta nga su yin ngayr zimbalaro ta rangshin ki ewa di meba chaar songna Tene nga zo nyingje chenpo da kevu dhamba chayagi, kevu chokdu kiruwa chayagi, da di nga zo chenpo chayadi yongchogu desu. Danda kongi di nyamdo laya, Sanskrit shilog ja sung na suwa di kechimbo shujire. Di penbe me nga asini hito pa desi nga nga le lengyo re.
અને અયમ નિજા પરોબેતી ગણના લઘુચેત સામ ઉદાર ચરિતા નામ તું વસુદેવ કુટુંબકમસની અને દીંગે રે દી શેંગ રે સે દાશેંગ એવા ચે દીંગે રે દી શેંગ રે દિંડેગ એવા ચેંગે દી અને લો છુંજું નમકી અને તાતાંગ દી રેસ મનાજો તાતાંગ નશી અને ઉદાર ચીજ સરતા લો ક્યા છેવા યાંગશિંગ ક્યા છેવા નમકી તાતાંગ ખરે છે ના જમલી યોંઝો અને ખીમચી બને છે તાંગ જો છંજુ સેમ્બી જો બને છે ઓ દિંડે કે નિંગ જે ખેવા દી શાનાસ અસો દંડા ખોરાંગે આજ ખોવાસના દુંગરસના દી ચાવન રુદ મરીબાદા ને તેને ટ્રુશી દરેસ દી નાને કે જો દે મરીબાદ દેજમ ગને ગા છે મરી ટ્રુશી દરેસ ઇમે યને દા ખોવાલે ડ્રોવાલા મંજો જો દે નીલુ તો ગો રેસ નીલુ તો બદે ગંજો ખોવાલે ટ્રુય છે દરેસ દિંડે ઇનજા ખોવાલે ટ્રશે કે નીલુ તો સે નીલુ તો કંદે જા ગો રે અને નીલુ તો તોબા જમને ખોવાલે ઢો ઢો ગો રે અને ખંડે રહેશે અને નીલું તો ના ખોલ ટુ ગિમઝા કાલા થુ રહેશે ઓ તું શીશો જૈસે આપને અપને પૂરો કે જો વ્યાખ્યાન થા ઉસમે આપને કહા થા કે જો સંસાર હે વો અજ્ઞાન કે કારણ હે ઓર મિથ્યા જ્ઞાન કે કારણ હે ઓર ઉસ અજ્ઞાન ઓર મિથ્યા જ્ઞાન કા જો હે નિવારણ હો જાયેગા ઓર નિવારણ તત્વ જ્ઞાન કે દ્વારા હોતા હે તો વો તત્વ જ્ઞાન ક્યા હે મતલબ તત્વ જ્ઞાન કિસકો કહેંગે તો ઇસ પર આપકા मैंने पहले ही कहा था कि तत्व का ज्ञान का मतलब वस्तु का यथार्थ ज्ञान होना, वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होना। उस वस्तु के संबंध में विवाद हो सकता है। दार्शनिकों में कोई वस्तु ब्रह्म कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन वस्तु का यथार्थ ज्ञान होना, ये इस फूल को फूल समझना, शीप को चांदी नहीं समझना, ये तत्व का ज्ञान है। और जब तक हम शीप को चांदी समझेंगे, शीप मतलब शेल, शेल को अगर हम चांदी समझेंगे, तब तक हमारी प्रवृत्ति असार्थक होगी, असफल होती रहेगी। और जिस दिन हम समझ जाएंगे कि यह शीप है, चांदी नहीं है, हमें यह तत्व ज्ञान हो गया, तो अतत्व के ज्ञान से हमारा संसार है, तत्व के ज्ञान से हमारा मोक्ष है। अब तत्व के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं। तत्व का मतलब होता है, हम अमर कोश का एक उदाहरण देते हैं, तत्त्वम ब्रह्मणि याथार्थ्ये। हम ब्रह्म को अभी छोड़ देते हैं। दूसरा अर्थ होता है याथार्थ्य, माने यथार्थ ज्ञान होना ही तत्व का ज्ञान है। जो वस्तु जैसी है, यथार्थ मतलब जो वस्तु जैसी है उसका उस रूप में ज्ञान होना, यही तत्व ज्ञान है। दंतादा अजो के नेलुक टोक वालम ने रे करसा मुइबे देंगी दा खोरंग के नेलुक गांग इन बादी शेम बाला देने अजो के करसा दा तत्व ज्ञान से नेल देगी रे दी घर रे से ने दिवायो मारे दी ला चितंग दा वशेषन अजो दा યાંગદાબા તોકબા હમ ખોરાંગી ઓ ગાંગી પાદી તોકબા દી ચાલુ ગયો રે દિલા છીકી જાને ખેપર યોંગ છો ગ્રેસ પેના ખજેલા બ્રહ્મ જ્ઞાન સે ઓલ લગ્યો રે છાંગબા છાંગબે શી પાડ દો અને નેલુક તોકબા દો છીક દા ખેપર દો યોંગ છો ગ્રેસ તાદી ગરીમ ભાઈ ને દોંદુ ના તા ગાજો નેલુક તોકબા સલાબે ગલયા પેના દો જાન ને યાચી લંગા જો મૂળ દો જીમ ભાઈ ના તકુ ગાજા ઠુલબે શી ભાઈ દુ જાને ખોગે અને ખોરવા દુ યોંગ ગ્રેસ અને ન્યાજી લા આજુ ન્યાજી જુઝીમ બાદે યાંગદાભાઈ શેબા યાંગદાભાઈ તોકવા યાના અને નેલુક તોકવા અને દગા નાશી કે મેદોલા મેદો જીમ બાદે યાંગદાભા છે તા દિના ઇન્દુ જાની દોર દુના આજુ કે નેલુક માહીમ બા દિલા તેને ખોરવા દુ યોંગ યોરે નેલુક ખોરાંગ શિમ્બાલા તેને આજુ તા આજુ દેવાલા સોપાદાંગ કરસા દેવા ખોરવા દિલે ડોવાલા સોપાદી ડુ યોંગ યોરે દી ઇન્દુ જાની તા ગરસા ખોરાંગ જોગી યાં થાને લા દગરાંગ રો બંગા જોગી જે તં છાંબા તો બા દાંગ દિના માંબો યોંગ દે ગયો રે દી ફા શા બાઈ ને યાં નેલુક તો પા સિયે દી ગા જો દે યાંગ દા બા છે બા તા યથાર જ્ઞાન જે ને ગા જો યાંગ દક બા ગાઈ બા ઓ બો ખોરાંગ ગંડે યો બા દી જીતા બા જીન દુ તો બા દી લે દા ગા જોગી નેલુક તો પા લફ શાના ફજે દી દો રે એને શોડન દિંબી કે લેન્સે સુંબા છે દોવા શોડન દિંબી કે લેન્સે સુંબા લા ને દુઈ જીવા ઇન લાયો સસરી દેની છે ઓ પેના નામા તા મંડુક નો ઇન સે છે તે દુઈ તા નામા યો બિજન સે તે મંડુક યો પશાવા તે પો થુ રે સ વા કોરાની દુઈ જીવા ઇન બિજન સે રે સે છે
tindi chi chi suwa. Ini tindi yin de ta tindi wa de su su tong nyen di nama da mendo tong nyen di ge ne sa di na du di ki chi chi gyore chi tong ko rung ka pa nang kham la ini di du chi gli xia wi ki chi re es. Ini ne sa tong nyen di ge on da chi gyore na sa chang ka shi la ini nama xia sa ngun la ren tong bo yu din jo che. Ini mendo xia sa ngun la ren ma wo yu din jo tindi la ini mendo ngun la xia ni ini nama yu gli xia ya tindi yung ro has. असल में जो आपने ये कहा था कि जो कृतिका और क्या रोहिणी तो वो जो है उसके माध्यम से आपने कहा कि वो काल एक होने पर भी वो क्या कहते हैं देश भिन्न है, लेकिन आपका कहना है कि काल एक कैसे होगा? जैसे कि हम लोग पृथ्वी में नाना जगह रहते हैं ना, तो अभी जैसे यहाँ भारत में तो सूर्य उगा हुआ है लेकिन कई जगह अभी रात है, ऐसे कृतिका भी ये हो सकता है कि देश के वजह से कहीं अभी उदय नहीं हुआ, तो इसमें वो फर्क आ जाएगा, तो इसमें जो है ये कैसे होगा? अगर आप केवल आकाश में उगा है ऐसा कहेंगे तो उगा ही है, फिर उसका उगने या नहीं उगने का तो सवाल ही पैदा नहीं, आकाश में तो है ही है, तो उसमें ये काल और देश का जो भिन्नता जो है कैसे मतलब वो हो जाएगा? हाँ हाँ व्यक्ति विशेष को स्थान के वजह से और एक पहले देख सकते हैं दूसरे को बाद में दे सकते हैं, और सामान्य रूप से यदि ये प्रकट हुआ है आकाश में तो हमेशा प्रकट है, जैसे सूर्य और चंद्रमा के हैं, कोई ऐसे समय नहीं है जब दोनों प्रकट नहीं हुआ है, तो किसके आधार इस फिर कैसे ये ज्योतिष शास्त्र का में ये बताया गया है, मैं ज्योतिष शास्त्र का जानकार नहीं हूँ, उसमें यह बताया गया है कि इन दोनों नक्षत्रों का उदय एक ही काल में होता है। जब ज्योतिष शास्त्र गणना करता है तो वह उसके दृष्टि में वर्ष, वर्ष का मतलब भारतवर्ष का क्या मानते हैं अंग्रेजी में बताइए, भारतवर्ष मतलब भारतवर्ष, कोई एक वर्ष जिस भूभाग में बैठ कर वो फलादेश कर रहा है वह भूभाग उसका उसका क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में जिस समय यह दोनों नक्षत्र की उदय हो रहा है उस नक्षत्र का काल एक होता है। एक कालावच्छेदेन अन्य देशावच्छेदेन, ये शब्द का वो प्रयोग करते हैं कि एक ही काल में अन्य अन्य स्थानों में वो उदित होते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा है। लेकिन हमने लौकिक प्रमाण लौकिक उदाहरण भी बताया था कि दो बल्ब अगर समान डिस्टेंस पर हों तो एक कमरे में जलते हुए बल्ब को देख करके दूसरे कमरे में जलते हुए बल्ब का हम अनुमान कर सकते हैं यदि उस स्विच से दोनों बल्बों की दूरी एक हो तो, क्योंकि प्रवाह एक गति से जाएगा। ये हमने उदाहरण चूँकि शास्त्र में लिखा था इसलिए हमने बताया कि उस वर्ष में उस देश विशेष में उसी काल में दोनों का प्रकट प्राकट्य होता है, लेकिन दोनों के देश भिन्न भिन्न होते हैं। दिला दंतंग जो समलोतन यदि दा ग्यागर के ची गिरिक बैठोने जो समलोतन क्यूरेस पैना दा वो ची गावा गया गियो पा वो ची दी ग्यागर लगे मंचे दा दंतंग जो ची दी ग्यागर की ची इंदुजाने ग्यागर ता बोला ची गया गियो ना ग्यागर की ची की तोने कोनी दा कर्मा नी दे दा चिकबा शार गो गियो रे अनि जेंबाने दा ने जेंबाला चिकबा शार गिरो वा तिंदा की दी ची की तोने चिदंग की पे चमशे बारे मा तो यंग छंगमा लरी गिरे नो या ते खाबो छा दुग रे सुंग दो दी ला देने कोरांगे दी जेने अनि कोरांगे जे ला दे खंगमी नी ना ला यांग जो लो लो शु दो थे ना अनि कोला नेमिया दी ची गियो बाई ना दी शाय रे दी दंदा गा जो छंगमा ला दिग दिया मा पेना गा जो चीरिक चीगिरिक बादे ता गा जो चीरिक बा शार बाई गा चीगिरिक बादे ता गियो बाई ना ता ना ग्यागल ले ता गियो ना ग्यागल कोरांगे वांगी दा दी शे गोरे मा दो शार बादे यांग दे अमेरिका दंग जेंबा गी वांगी शे यो मा रे यांग फगी दा बाई ना फगी वांगी जा दु गिरवा दिना दा ओगी गा जो दिग दे गोरे। दूसरी बात, यदि हम पूरे विश्व को ही एक क्षेत्र माने
तो भी हम यह कह सकते हैं कि जिस समय हमने रोहिणी को देखा, एक व्यक्ति चैत्र है या मैं जिस समय उस व्यक्ति उस नक्षत्र को देख रहा हूँ, उस काल में दूसरा नक्षत्र दूसरे स्थान पर है, यह हम अनुमान लगा सकते हैं। चेतर से आगे मी चिगे देने मी सूचिम भाई ना मी चिगे अने घर सा पेना जमुलिंगला चिघिम भाई का लाया खोरंगे दा कर्मा दी थोंगे का लाया तेनी छेम्बा दी शारियो बाधी हो ये ढोगे हो शे ढोगे जमुलिंग चिगे खोरंगे सेमला दा जमुलिंग चिग फेजे दिन छागे उगरे संगमा ला दा दा खोरंगे चिदा जमुलिंग चिग छिदा हो शा शा ना मैं सुंग सोंग दे दी फेजे चिग जेना यांग जो बात जो ना जो ऐसा छोगे उगरे अने ड्राइवर तेला तंग सूनु छिटाओ से ना छिदे दो थाते चेसे दो तो चेसे दो पास सिंगवा ते ना जी चेने ड्राइवर डाब चीत ड्राइवर नि चा नि ने ये बाला छे बजे तो पासी तो ड्राइवर दो से ड्राइवर तेला तंत दिल सितांग ये बन डाब शीशा दो ये शीशा ती ना लोला तंबो तेला ती थे लें चीद ने बाकी ड्राइवर ती की छे सी तेल अने दी नालोला थोचे झाझा गई लाने थोचे सिपा सीजा गई नो झाझा तो सीजा नहीं थे झाझा तो सीजा नहीं बोते अने तन ड्राइवर से यूँ कदवा तीन इन चौंपल झाझा तो सीजा नहीं बोते ड्राइवर इन तन था दे करवा तक नोटे लुला तो कांग्रेस के यहाँ मेरे को मोह चिल्ला दुपन था दिशे करवा इन यहाँ तक रिपा चेपा शेटा पाता घर से वर्ते ठाचे पा तो ठेके अने वो चिल्ला दुपन था दे सी मैं वही चा तंगे ड्राइवर दे झाझा दा अने सीजा नहीं बोते तन था दे इन करवा खोज ड्राइवर शाह सारवा था दे इन करवा इन चा दिन था दे दे अने तोला दिन था दे शाह गो रे यहाँ ना ये जिंग ने था दे शाह गो बेना रहा न्यूगन ड्राइवर दे अने सीजा ये झाझा यू ला गो रहा ला दे चौंबा लता न्यूगन दी तीन दाझा तो सीजा नहीं बोते न्यूगन दी तीन दिन वो लूस था दे बी ये सी गो रे यहाँ ना जो डा तो तुफे वांगी दिन था दे दो चेने अने ड्राइवर से पा मी मी तो तुफे ताशा वे खंडे रेस अने तीन कहते वो था दे ना ये चे खंडे ये मैं से वो जो सूर ना वो तो छे चौथा तो इसमें जो आपने संबंध के बारे में जो चार विशेष जो इसके वो बनाए गए हैं, दो पदार्थ सर्वदा एक रहते एक साथ रहते हैं, दो पर कभी नहीं रहते, तो इसमें सबसे पहले दो एक रहते हैं, तो उसमें जो है आपने ये क्या कहते हैं प्रमेत्य और गेयत्व रखा था ना, तो इनका ये कहना है कि संबंध जब दो पदार्थों का है तो उनको जो है अलग होना चाहिए, और अलग होना चाहिए तो ये जैसे हम लोग दूसरे जैसे ये कहा गया कि जैसे हमारे हाथ में कलम है तो कलम जो है वो गेय भी है और वो प्रमेत्य भी है, तो इस कलम की तरह है या फिर एक जिसको हम लोग कहते हैं निवृत्ति भाव से इस कलम ऐसे प्रश्न ऐसे कि ये सामान्यतः ये माना जाता है कि वैशेषिक न्याय और न्याय के दर्शन में द्रव्यता और व्यावृत्तिया भिन्नत्व नहीं माना जाता है, ऐसे हम लोग कहते हैं। तो इस कलम में गेयत्व भी है और विशेष ये प्रमेय तो भी है, तो जब भिन्न है तो वो भिन्न किस रूप में है, ये इस कलम में गेयत्व और प्रमेयत्व जो है भिन्न रूप में है तो किस रूप में, स्वभावतः द्रव्यता भिन्न है कि फिर व्यावृत्तिया भिन्न है,
और ये भिन्नत्व और दो जो ये तो और वो भी भिन्न है तो वो अलग से कैसे प्रस्थापित कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वस्तु स्वरूपतः भिन्न नहीं होती हैं। एक पेन है, घट है, वह प्रमेय भी है और ज्ञेय भी है। वह घट के रूप में भिन्न नहीं है, लेकिन प्रमेय और ज्ञेय के रूप में वह भिन्न हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति किसी जिस समय वह पढ़ाता है उस समय वह अध्यापक है, और वही व्यक्ति जब पढ़ता है उस समय वह छात्र है। व्यक्ति में स्वरूपतः भेद नहीं है। भेद कहाँ है? उनके धर्मों में। अध्यापकत्व और छात्रत्व ये दोनों अलग अलग हैं। उसी तरह से घट प्रमेय भी है, ज्ञेय भी है, वह एक ही होते हुए भी उसमें प्रमेयता और ज्ञेयता, प्रमेयत्व और ज्ञेयत्व भिन्न भिन्न होता है। जैसे अध्यापकत्व और छात्रत्व, जो अध्यापक है वही छात्र भी है, जो छात्र है वही अध्यापक भी है, फिर भी उस पर रहने वाला अध्यापकत्व और उस पर रहने वाला छात्रत्व भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार व्यक्ति का, वस्तु का प्रमेय होना और ज्ञेय होना निश्चित है, लेकिन उसमें प्रमेयत्व और ज्ञेयत्व भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि प्रमेयत्व का स्वरूप अलग है। किसी अन्य कारण से वो छात्र हो रहा है, किसी अन्य कारण से अध्यापक हो रहा है। वो पढ़ा रहा है इसलिए अध्यापक है, वो पढ़ रहा है इसलिए छात्र है। यहाँ पर भी वह परमात्मक ज्ञान का विषय हो रहा है इसलिए वो प्रमेय है। परमात्मक ज्ञान विषयता भिन्न है, और वह ज्ञान सामान्यतः ज्ञान का विषय है इसलिए वो ज्ञेय है, इसलिए उसके निरूपक भिन्न भिन्न हैं। अतः प्रमेयत्व और ज्ञेयत्व को भिन्न भिन्न माना जाता है, जबकि उसका आश्रय एक है। ngobogoro rang shingi thadeba mares pena bomba tabu cha shawe na bomba di shelja ya res ene sheja ya res ene kunyi chigi na ya chigi ten du na ya shi chigi ten du na ya ene korongi sheja ni da sheja ni di thade res pena di yonden wa yonden di thade res pena मिच लच्छा शाह बेना गिगे मच्छा शाह को लोपचो छिदु गासु लोपटु रे दियो रेस एने लब्दु गासु गिगे रे दियो रेस एने गिगे इम चिप रेस को एने ने नी मच नी मच गि को गिगे आ इम बादा लोपटु इम बादी नी रे दियो रेस को लोक्स रे दियो मा रेस घर सा नी रे दियो रे या इना या lobtu ni da gege ni se adi odi di kha gare da res mi imba da ni da chidan lo jirwa mi chi ani chi ge general ya piti te de yu na ani lab de yu na di kab liya gege re de res an khora mi shi in chi ge cha ne ani lo jun che shin bai na lo phi shu shin bai na di kab liya lo mya ba re de res ti yin du kan liya mi chi ge yin bai na ya ku je le ge cha ne kab chi liya gege da kab chi liya lo mya ba cha ru yo res तीन दुकान लिया शेजा ता न्यू चीज खान लिया शिदेन चीज खान लिया अनि चीज था छमे अनि चेब चेब छे ने अनि जेबे यूजी बेचाने अनि छमे शेजस चने लबो योरे चिरदान शेबे यूजी गिन बेचाने अनि शेजस चन लबो देग योरे तीन दिन दुकान लिया खुनी सोसो सु चले के अनि छने मिंग मंडा तावा ता अनि को चीज ता डोकोस तंद सुंगु योसो मारे दे तावा मातो चीज अनि ओल या कोरे की शिदेन कोरा लिया बाकेयो मारेस तदे ट्यूस टीवी ना त दोगो दोगो केबरसन दोगो नोक्षा दिशेग योरे यो मारे ओजिलो दोगो थादेसे केजि दिशेग योरे यो मारेस दिचि टिगि ना यागो योरे समथिंग तो रवा आ दंददि जाजा न्यो दा शिजा न्यो सिदा दंददि दे योरे बा त शटा बेगी शे तेजि दिशेग रवा त ति सुदा रवा छा योंग दो अनि जाजा न्यो दु शिजा न्यो दि या शटा बचे ना त जें थादे रा योरे बा ta 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 zen ta de me ni ya jikoru chi ri si de zomba la ya ze ji za ro cha ro do ti de ngo chi la ta ta de de ta ta tong ngo do dra do tu be ge ban ta de zo sha ban ra ba ji do ta ti tong ngo zon ta de yin na ani chema nan de ga ne she de do ban ta de zang cha ro ro ba te ta de cha ge ye na chema nan de na lo la ani nga zo ra ka za
अनि छितो सेवा डम तब रे रासि ता या ता सि ने तोची जि दनी जिबिन रेवा सि युदि रिबा चेबा द शेटा बा द ठाचे बा छमे गते गब जा दे हरवा गब जाने कर गब जाओ रे सिदि ओची इस ला सदि जंबल अनि नि सि सा रवा मारेस रवा ता गंदा दे सुजि मट बे थवा दे ता दे हरवा ते शुए या दादा खोरा रिबा चेंबर रे इने रिबा चेबा साबे थे रे जिदांग ओजु खें गुए छिन ल खरे सना समन नम जे के थंदा छोंग दिगे दि योंगजो दि रे रिबा चेंबा यिंग बे रे तंदे चिदा योंडा लिया सुया खर सुंग गोर से ना तंदे रिबु चेंब साब छु के ग्यादा गुबस ना लिया लुबिन छु जो गसा ने रिबु चेंब साबे मंगु शिबु जि लंग ने ते कुंजु के सेमे नाम शा लिया शिबु जि गुदो छि योरेस चेजान सेमन नाम जे के अनि गबदा या खंग लो तंदे तंदे छोंग ल ताया यो मारे ओ जु शिया जो दा से जो छिन सा रे इने कंटि ना ने जि ओ जि ला दुबान था दे सु यो रे बस ओ दी ओ दी जि सुंग गई ने वो ओ जि ला दुबान था दे ना शा दिन जे गरे बस ता जा जा तो सी जा नि पो दे रे रे अब इनका ये प्रश्न है कि अगर ऐसे कलम पर गियत तो और प्रमेयत तो दोनों है तो ये है द्रव्यता आपके न्यायिक में द्रव्यता एक है लेकिन व्यावृत्तिया भिन्न है इस प्रकार का विचार है कि नहीं तो ये शब्द प्रयोग किया जाता है कि नहीं शब्द नहीं प्रयोग करते धर्म से भिन्न है वस्तु से एक तो खुणा जो धंधा ओ चिल तो पथा दे से लघु मारेस दी छो की छाने लोगा रेस अन ओ छाने चिक बरेस से दी सुन दे रेस आ ngat dis kan chu ta chu no chu ta 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 na ni da ta de khatu chi shwe ta dis dwa la de kar sa ramesh ji ta da pena miti ting dul ya gegen ni de da lu tu ni de ni de kha ga res ye gegen miti chi res ni su dwa ta lu tu ni de da mi ni de kha ga re da chi res mi ni de da mi ni de da gegen da gegen ni jor wa ko gegen chebe ka le ya gegen ni jor ti da ani khora mi ni jor wa din ye de kha ga re ani chi gre kha res अन नी से दे कुरान के देश तक से स्टार रोना बस तो ये आपने ये कहा था ना कि एक आदमी जो है मनुष्यत्व भी है नहीं ये आपका अध्यापकत्व भी है उसमें छात्रत्व भी है तो ये छात्रत्व चलो इसको बिन माने उसमें फिर मनुष्यत्व भी होगा तो ये मनुष्यत्व उसमें होता कि नहीं होता है और फिर है तो ये तव थोड़ा अरे देर से समझाएंगे तव क्या है मिंग माला मासू अच्छे बिना कोई मैं रमेश ना रमेश की कहीं नहीं देता रमेश नीतिस जैसे एक आदमी जो है रमेश जो है अध्यापक है तो रमेश तव है या अध्यापक तव है दोनों एक है जी सुंगोर वाखांगे मी नी देदा अने गेगे नी दिलिया खवा योर यो मारे छे सुंगोर वा चोदी रे तो उनका ये प्रश्न है कि एक ही व्यक्ति अध्यापक भी है और मनुष्य भी है तो वो अध्यापक तो अध्यापकत्व और फिर मनुष्यत्व में ये भिन्नता माना जाता है कि नहीं देखिए ये भी प्रश्न विचारणीय है किसी भी वस्तु में या व्यक्ति में दो प्रकार के धर्म होते हैं एक स्वाभाविक धर्म और एक आगंतुक धर्म जैसे मेरे में मनुष्यत्व स्वाभाविक धर्म है जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से मनुष्यत्व आ गया और वह मेरे जीवन पर्यंत रहेगा लेकिन कुछ धर्म आगंतुक होते हैं मैं ना जिस दिन स्कूल में प्रवेश हुआ मुझमें छात्रत्व आ गया पहले छात्रत्व नहीं था मेरी जब नियुक्ति हुई मेरे में अध्यापकत्व आ गया पहले अध्यापकत्व नहीं था लेकिन मनुष्यत्व चला आ रहा है मेरा जिस दिन विवाह हुआ पतित्व आ गया मुझे जिस दिन पुत्र हुआ पितृत्व आ गया ये आगंतुक धर्म है आगंतुक धर्म किन्हीं कारणों से आते हैं यदि स्कूल न होता तो मुझ में छात्रत्व न आता मुझे नौकरी न मिलती तो मेरे में अध्यापकत्व नहीं आता इसके लिए निरूपक शब्द का शास्त्रों में प्रयोग किया है पाठशाला निरूपित छात्रत्वम पाठशाला के कारण छात्रत्व आया मनुष्यत्व मुझ में किसी कारण से नहीं आया यह स्वाभाविक है तो स्वाभाविक धर्म आगंतुक धर्म से निश्चित भिन्न होते हैं क्योंकि वह आगंतुक धर्म किसी कारण से आते हैं रमेशत्व स्वाभाविक धर्म है छात्रत्व अथवा अध्यापकत्व आगंतुक धर्म है वो किन्हीं कारणों से आया है
रमेश एक होते हुए भी उसमें जो मनुष्यत्व है वो छात्रत्व से भिन्न है, क्योंकि मनुष्यत्व स्वाभाविक है और छात्रत्व आगंतुक है। बारूड बोलते हैं ना, किसी वजह से आया। दादीला अंगसुगे छेदीला देनी रंगजिंगी छेदांग ता लोबुरगी छेसेने नीशागुगे सरे कंसु ताओसी नीसेने जर्गीरवा दिशेंबे गलाया हिंजे मिंजे रंगजिंगी छे अनि लोबुरगी छेसेने स्वाभाविक धर्म आकस्मिक धर्म सेने ता पेना मी डावला छाशाना मीगी रंगजिंगी छेसिया दि अदु मी नी हिंबादी मीगी रंगजिंगी छेजे इनायांग दा दीगे जिलांगा सुपेना छात्रत्व से ने लोडानी लोडावानी सियाडो अध्यापकत्व से ने गसु गेगेनी सियाडो तेनी पतित्व से ने दा चांगसेग्याम ने क्योगा जादोया दा दिनडोगी चिकचे अनि यां पुगुगे ना पितृत्व से ने दा फानी सियाडो दिन छाडुगेरे दीला हिंजिमिंजि खोरांगी टेम्बेब जेबे निरूपक से ने टेम्बेब जेबाय टेंग टेम्बेब जेगेनजि गोगियोरे टेम्बेब जेगेनदि लोबुरवाचे पेना गा सो लोबडा मे वाइना लोबडा निसिया दि योंगियो मारवा केगेंगे लेका मारा पाइना अध्यापक से आदि गा सो लपछोगी मारवा दागा नसिंगे छांसा मागे पाइना पतित्व से आदि यो मारवा दागा नसिंगे पु मागे वाइना पितृत्व से आदि योंगछोगी यो मारे दि नेकप गी योंगियो रे लोबुर गी योंगियो रे दिला लोबुर गी छोए सेने कोरांगे दा आकस्मिक धर्म से दिन सुंग सुंग इना दा जि मीसिया दि दा दांबो ने केदु ने योबा नसि पेना रमेश दोइ बने दांबो ने योबा दिला जेरा मे पा दी गे चा लेगा घरे खाका जेवे गला ता दिन डो छा गे पा ता दिन डो खोरांग गे सुंग नंग दा नि लोबोर दिला देनि गासो गे लोबोर ला पने रे नेकअप डो ला पने रे दिला हिंजि मि चे नेकअप टेमबे जे गे जि यो ना छा गोया यन टेमबे जे गे जि मे ना मे बा मी दे दांबो ने जि यो बा जुदि इंबे छादा कर्सरनि मि नि इंबा सेदि गन भगे ननिया छु जुदि गन गेशु ननिया नि नि मंगु जुरदे इनेदि को युंदु गनलिया दि छबलिया छस क्यंशान तगदा इंबे छस क्यंशा बिन तगदा छि यामेन इंबे छम सोम जे इंबा से जि छानन को तगदा को लियंग दो त मि इंबे छ दि कर्सरनि मि दिलिया खेजु मंगु जुरेस त खेजु मंगु छि अनि को रंगसिंग खेजु छगु योरे खेजु मंगु छि लुबु वे खेजु छगु योरे दिने दु मि इबे छादे अनि मि इबे समगे अनि दु ता दु मसि बदोनिया रोदे एजरेस ति मय इबे छने के गे इबे छादे लबडा इबे छादे लबडा नि बे छिमे निमने छने लबडा इबे छादे छारु ओरे दिने जमा के गे छबे निमने अनि के गे इबे छादे ले युंग ओरे दिने दु गानिया छ तंदे छ छिम निसेवा लुबु वा देजु थे दिगे दि को छ लुबु वरे दे ओरे छवा दि ता क्युगे दि नम जोंबे केंगे अनि कोलिया चालुबो एके अनि ति छुदिगे दि लेयुंग गोरे ति मयिंबे एके छु रंगसि दु युव दिगे दि को युव सम गे दुदे गोरेस जेदा तंदा मि इंबे छच दुआल ति मि कोरांग गे रंगसि रे दा मारे सोदि मि इंबे छ दि मि दि गे रंगसि गे छ रेस लुबुर छ मारे सोरवा ति जे मि इंबे छ दि मि कोरांग गे रंगसि रे दा मारे रंगसि इना रंगसि चिक पर उ छ ग मे दुए सोदा दि मनुष्यता जो है क्या मनुष्य का होना नहीं है, स्वभाव नहीं है मनुष्य का स्वभाव। थोड़ा त्व के बारे में हम स्पष्टीकरण कर दें। पाणिनि का एक अनुशासन है, तस्य भावः त्वतलौ, त्व और तल प्रत्यय उसके स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। मनुष्यत्व और मनुष्यता एक ही बात है। तो प्रत्येक मनुष्य बहुत हैं, उन सब अनेक मनुष्यों पर एक धर्म रहता है, उसको मनुष्यत्व कहते हैं। वह सभी मनुष्यों का स्वाभाविक धर्म है। लेकिन अध्यापकत्व छात्रत्व मनुष्यों का स्वाभाविक धर्म नहीं है, क्योंकि वह सभी मनुष्यों पर नहीं है। और किसी व्यक्ति का भी स्वाभाविक धर्म नहीं है, क्योंकि वह जन्मजात नहीं है। तो त्व उसके स्वभाव को बताता है, तस्य भावः त्वतलौ। और त्व जब हम न्याय की विशेष चर्चा करते हैं तो त्व और वत ये दो शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता है। आप बौद्ध न्याय को देखें या वैदिक न्याय को देखें, धर्मकीर्ति ने भी बहुत प्रयोग किया है और हमारे गंगेशोपाध्याय ने भी बहुत प्रयोग किया है। त्व बताता है व्यक्ति की प्रॉपर्टी को, वस्तु की प्रॉपर्टी को। हम अगर स्थूल दृष्टि से देखें, अगर हमारी आँख सामने है, त्व प्रयोग होते ही हमारी आँख ऊपर हो जाती है, हम वस्तु से ऊपर थोड़ा देखने लगते हैं कि मनुष्य के ऊपर कुछ वस्तु रखी है, वह त्व है। वत
जब कहते हैं तो हमारी आंख नीचे आ जाती है, घटवत जब कहते हैं तो हम घट से नीचे कुछ देखने लगते हैं, और इन दोनों का जो संबंध है एकदम कंट्रडिक्टरी है, एकदम विरोध का है। त्व ऊपर की ओर ले जाता है और वत नीचे की ओर ले जाता है, त्व प्लस है और वत माइनस है अगर स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो। अब देखिए घटत्व, घट से ऊपर गए और उसमें अगर वत लगा दें घटत्ववत, तो हम फिर घट तक पहुंच गए। एक सीढ़ी ऊपर चढ़े और फिर एक सीढ़ी नीचे आ जाएं, तो हम जहां से शुरू हुए थे वहीं रहते हैं। ये मैथमेटिक्स है, किसी स्थिर संख्या में उतनी ही संख्या प्लस करके फिर उतनी ही संख्या माइनस कर दें। x प्लस टू माइनस टू इज इक्वल टू एक्स। तो घटत्वत्वत्वत्वत्व आप कितना भी त्व लगाएं फिर उतनी ही संख्या में वत 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 लगा दें तो वी विल बी रिमेन इन घट, रहना आश्रय। वत का मतलब आश्रय, त्व का मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और आश्रय। घटवत मतलब जैसे घटत्ववान घटः ऐसा कह सकते हैं। हाँ, तो जो है वो घटत्व है और उस घटत्व को धारण करने वाला घट है, इसलिए त्व और वत दोनों का एक साथ इस प्रकार इसका इस तरह का वो रिलेशन है। घटत्व तो हम ऊपर जाते हैं, घट के ऊपर के धर्म को देखते हैं, फिर घटत्व तो से हम वत लगाते हैं तो फिर हम घट पर आ जाते हैं। तो इस बात को हमें समझना है। पानी की सूत्र जी खोरंग ज्ञाप ना सो तसे बाहवा तल तव तलो से नो तव तलो से ने तव दंग ता ज्ञाप ने गजो के खोरंग के रंग जी चिक जुए रे गजो के दा लेक्चर दा हिंदी दी सोला ता दीला देने गजो के खोरंग के पेना दव छाशना मी नि से आदि मी ता छमा लयो रो मी थाम जे लख्याप दे गियो रे ता दी गरसा मी नि से ने लबे गला मी थाम चला के बियो रे दी लदा ताओ दंग तल से ने गजो दी ला कोरंग के सुंग वाला गजो रिग बे दा गजो के तेन से रिग बा ना लाया ताओ दंग वत से दी ला नि दा गजो छिकटे ला गोरो चित न छिकटे दो रे हि ने दन दे ताओ से दी कोरंग के गरसा नि से दी तो बा दे रे वत से दी दावा गजो दी ना दो जे दे गियो रे याना देंबा ता देनबा देंबा दो लब गियो रे दी नि ला दिनी ग्यापे गाला तौ दिगे खोरंग गे ngo de la ya nga zu ge da ji ge xi gi deng la kya jue mang bu ji ye ba ji du byong ge sa re tau tau la be gala ya mang bu ji kho gi pe na nga zu nor da wei na nor mang bu sa de ji gi ani tau de gi cha du gi sa re di indu za ne tau yo na property re sung zo property se ya di da nga zu gi pe na mang bu da wo pe na ba ju yang yo re lang go yang yo re da dinar do आले खेचुए सूर दादी दंगे डेलवा गैप तंगी दादी सारे दादे खर्सा खेचो दौ खेचो दी खा 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 मांगबो योबा खेचो दौ दी मांगबो यो रहा खेपचो ची यो मारे मांगबो यो रे इन्हें वाट लबेगा ला यंग खेचुए दी खचो योबा इन्हें यंग खेचुए दी पी शावा इन्हें ता वाट दी गंगला फेजे लेप देखियो सरे खेचुए दी वाट से आदि ही चिक दंग खेचुए सुताओ से आदि यंग खोरंगी तेंग ला मांगबो योबा दी खोरंगी जी का पे दौ पे आबो खोरंग पेना तव लबे गलाया दिन दागो चि तेना मनुष्य लबे गलाजो दुरंग जी जिग छो जेल दी तागो मारे मनुष्य मनुष्य तव लबे गला घर से चिक मांगो चिक तागो चिक छा डुगे या तागियो रेस वाट लबे गला मा तागो छा गिरेस तीला खो गांसने सी खोरंग लान लेप दे गिरेस तीला यहाँ खोरंग मैथमेटिक की जुल दू दाजो गे घो खेचे योबा दी खेचो दी माथे जाबाई ना ता खो खेजी दे लाया बाबू हो रहा खो खो खेजी खोरंग लाया योंग हो गया फाचुर बाबू हो गया तीन डबोजे ने दौड़ दूना गाँचो गे वट से जारिया दी धेम्बा हम दा खोरंग गे गो यो बाओ चम गो यो बा चमला शाबे गला खो सी डबोजे अने ताओ दी खेचे गे जुल दू मांगबो जे यंग नोबे गैप गया ता नोबे गैप गया तीन डबे जी छा दे गया सर तंगा benda ji kharsarune keshi chue ji kharsarune ta shichig liya khuyo nangu chue dige di liya ta chige chue diya shebe kab liya ani tanda ngubu chuewe tati pechutang goyo res ta tanda ji panini ki tatubi shisha chayna
tau dan tal selalu ini nanti tada tua sendiri kerja di sini, ane manusia tua, manusia tada sendiri, mih kanda pergi nala mihni sendiri, kan tu kau dia baca ini mih baca sendiri, di itu kali ya mih baca di, tak mih grup sistem ini nana mih jeli ya dia ini mih di ke ane cuci itu kali ya kau ni ya deng deng ke cuci, cari gua orang setak kau kali ya mih grup sistem ini di kali ya tanda ya suruh si. Ku middle ya, deng deng ya, kecil kecil. Tapi middle deng deng ya, ke mih baca juga orang. Tangan ni sih, tapi cukup keju tuhan mampu yang cukup res. Tapi dike di mih baca di middle deng bahasa itu kan ya, bahasa itu juga kan bahasa juga orang, mikrogan bahasa juga orang. Jadi mih baca di kuning baca juga ini, mih baca di dan deng bahasa itu kan le, rancang mih dikan mah bahasa yang res. Di itu kan le middle ya, mih baca di deng bahasa mih baca ni di. Mie imba nyi ke cuci dah dembas sedu ni si ni kerja orang mie imba mie korang kan liat babi yang gores tadi tanda angzi rodaan cewa ini ani domsi kau mie imba mie dili ya mie imba cahdi domsi kau di mana imba keju di kau mangguc domsi kau ini tida dembas cewa ini mama babi orang babi sedu suka orang babi sedu ani si korang kan liat babi yang gores terakhir cerita cerita ani terakhir kerja sana tanda ni ahi ekonomi ni aku macam tu kira kerja sana. Ani tanah kacau gede gede nanti sah ina. Ani lady gin lembu dedu tetu lugitin lugurus. Tetu kuah kuah kon lude siapa siman mandron. Tetu dedu kanga tetu lugitin lugurus. Ose tenda sung sung tanda. Ani tak tenda ina ani kacau seno. Karena ani dedu mampu cikungur. Tak seno cini ini jual sopat tenda cie jual sopat tenda cie mampu cikungur. Tenda ke sen ke dedu tetu lo ani jolo tena sungur tetu jolo tena majum pare. Sengi tiana dodo tadi. Karegi dedu la cengi ye. Tanda ngaco dedu yora. Ale semgi dedu. Semgi ceng ngaco kono gedi kile karchana. Tena noje de lugi ceng nogre. La. Tena nogo ne. Tanya ngaco ngaco tiana de. Tena semgi de cengi dedu. Ngadi sem tang cengi ne budro. आपने जो कहा था ना कि हम लोगों का दुख जो है वो दुख भोगने के लिए शरीर चाहिए शरीर जरूर होना चाहिए हाँ दुख सुख शरीर पर होता है तो आपका कहना है कि जैसे हम लोग शरीर से दुख नहीं झेल रहे हैं लेकिन आपका जैसे हम सोए हैं तो हम केवल मानसिक दुख झेल रहे हैं तो ये शरीर पर कैसे इसका क्या व्याख्या होगा देखिए मुझे नहीं मालूम बौद्ध दर्शन में क्या चिंतन किया गया है न्याय दर्शन में आत्मा को नित्य माना गया है सुख दुख आदि का भोग आत्मा करता है शरीर नहीं करता है क्योंकि अनेक जन्मों की कल्पना है हमने जो कर्म पूर्व जन्म में किए हैं उसका भी फल भोगना है यदि सब कुछ शरीर होता तो पूर्व जन्म का शरीर तो नष्ट हो गया है अब उसका भोग कौन करेगा दूसरा शरीर तो कर नहीं सकता है दूसरे द्वारा किए गए कर्मों का यदि दूसरे के द्वारा भोग किया जाए तो दो प्रकार के दोष बताए गए हैं कृतहान और अकृताभ्यागम हमने जो किया उसका फल मुझे नहीं मिला इसे कृतहान कहते हैं अकृताभ्यागम मतलब जिस जो कार्य जो दोष हमने नहीं किया उसका फल मुझे मिल रहा है यह भी अनुचित है जो हमने किया उसका फल मुझे मिलना चाहिए अगर नहीं मिलता है तो अनौचित है जो हमने नहीं किया उसका फल अगर मुझे मिलता है तो वह भी दोष है वह भी नहीं होना चाहिए इसलिए नैयायिकों ने किया कि प्रत्येक जीवन में एक ही आत्मा चला आता रहता है एक शरीर के द्वारा वह आत्मा एक कार्य करता है और दूसरे शरीर के द्वारा भी वह भोग सकता है और उसी शरीर के द्वारा भी भोग सकता है आत्मा विभु है सर्वव्यापक है हमारी आत्मा भी सर्वव्यापक है आपकी आत्मा भी सर्वव्यापक है अनंत जीवात्माएं हैं और सभी सर्वव्यापक है लेकिन जब वह शरीर के अंदर रहती है उसी समय वह भोग करता है सुख दुख भोग का अर्थ होता है सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोगः हम सुख का अनुभव करें अथवा दुख का अनुभव करें दोनों को ही भोग कहा जाता है तो सुप्तावस्था में भी शरीर हमारा विद्यमान रहता है शरीर और प्राण का संयोग प्राणवायु और शरीर का संयोग जब तक रहेगा
तब तक शरीर में चेतनता बनी रहती है आत्मा के संयोग से। जैसे ही प्राण का संबंध नष्ट हो गया, शरीर को शरीर कहते हैं लेकिन उसको मृत शरीर कहते हैं। मृत शरीर में सुख दुख आदि का अनुभव नहीं होता है, यद्यपि वो शरीर है क्योंकि उसमें प्राण संबंध नहीं है। जीवित शरीर में जिस समय वो सुप्तावस्था में है उस समय भी उसका प्राण संबंध है, इसलिए उस समय भी सुख दुख आदि का अनुभव होता है और शरीर है। सुप्त शरीर को शरीर नहीं कहेंगे ऐसा तो नहीं है ना, वो शरीर ही है, लेकिन मृत शरीर से भिन्न इसलिए है क्योंकि उसमें प्राण संबंध नहीं है। तांगाजोगे लुई लुइला दा गाजोगे दे देदुक दि योंगिरेस लबेगलाया दा कोरांजोगे रिबा जेंबे लुगे दा यांग आत्मा दा देला लुगुगि दो कोरांजोगे दा को रिबा जेंबे लुलाया दा आत्मा सेने दा खेलेम बारे दा दियानि तंगबा हिंबा दा गाजोगे गाजोगे देवा दा दुंगाल दि सुगि योंगिरे लबेगला यांग दा दि गि योंगिरे सेने सुंगनांगि दो त्रोवा दादी दादी की न्योंगी हो बेगलाया घने न्योंगरे ला बेगला देने गाजो के लेला यंग समलोतांगो चगरे लेला समलोतांगो बेगलाया गाजो यंग दी कर सा माजे बादंग माठे बा जे बा छुमे जावा से ने दी नी योंग दे की दुआ ता दी नी योंग दो जाने देने गाजो के पेना लुई की देंग लाया गाजो के नुंगल न्योंग वे गला दा दागिन दिखा ले से ने पेना गाजो पेना सेम दंदा गाजो की चिक सेम न्योंगी हो लाभने दंदा पेना न्ये वादा वही ने गाजो सेम दिओरे दा लुइगी न्योंगी मेज दाव दिना दाव गांजु छोड़ देगी रवा ता गांजु की खोरां जो की दी लबे कले हिंजे मिंजे गांजु आत्मा दी हिंबा ही नहीं ता ता दी ची तं थम्चे लक्ष्य बा थम्चे तो यो बा विभू से ने ता सर्व व्यापक दौर वा गांजु थमला यो बा नंशी रे दे हिने गांजु केवा लंबे कले या ता दी गांजु छुंग दु दोयो रे गांजु की लुइ दां डेल देगो रे लुइ दां डेल बे कले या देने गांजु लुइ यो बे रिंग ला देदुक थम्चे दी को योंग देगी रे को लुइ दां डेल ने अनि चिदाङ सेम दि योंगे सेम दि गि दुङाल योंगे लबाइने लुइ योबे गुमजेंग गि दुङाल योंगे रमादो अनि को सेम क्यांग क्यांग खगा इम्बा लुइ क्यांग क्यांग खगा बे दिना गि नावा दि यो मारेस आजु गि फैजे दा दुङाल दि योंगया दि दा हिन्जि मिन्जे लुइ लेंजे लुइ गि लुइ योबे रिंगला दा देदुक दि गाचो गि योंग दे फैजे छादु गे तरे पेनाङ आजु न्येने ñebe kala penna nga zogi khashi gita lui la delwa me sambayi minnayang ta hingyu ko daadi lui nang la yorwa danta lui nang la yore lui nang la yobe gyumzengi nga zogi ta dungal di nyong diya penna dao cha shena ta nga zo so di chebe kala nga zo shi dogi yore di kala ani lui di dungal nyongi mare gaayin zena ko daadi na delwa di che sarwa daadi na delwa chebe kala ya lui khorang di lui yobayi nayang lui di ki dungal nyongi mare ता ची गरेम बाइन लुई दंग देलवा छै दो इन जानि दि मार देलवा छै बेकला दुंगल मानिंग वा दि गरे लबे गला खोला या दा दा दियो मारे सेम दियो मारे अनि दा दि गुम सेंगी दोर दुना गा जोगे इंजे मेजे दुंगल योंग वाला लुई दंग सेम गे देलवा जी योगवे जे दं दि गबला देने गा जोगे यांग दा गा जोगे कोन जोगे दा छेंबो दं यांग गा जोगे सेम चेंगी दा सेने यांग नीचे हो गयो रे दा दिने दो दि नी दा da chenpo dang, sem cheng da se na nga zo kiawa len ne, nga zo lui len ne dekho bai, da di nyi ki da delwa di peche shi gu gyo se. Sharir ke liye ayatan shabd ka prayog kiya gaya hai. Ayatan ka artho hota hai grih, ghar. Jis ghar mein rah karke atma sukh dukh ka anubho karta hai, वही आयतन शरीर है। शरीर स्वयं भोग नहीं करता है, घर में रखी हुई सामग्री का भोग घर नहीं करता है अपितु उस घर में रहने वाला व्यक्ति करता है। उसी प्रकार शरीर स्वयं भोग नहीं करता है लेकिन भोग का माध्यम बनता है, उसी शरीर में रहते हुए आत्मा सुख दुख आदि का अनुभव करता है। kenche sene se gyore kenche de da da kenche gi den de da khangba na che khangba re sung du ani khangba de pe na nga ju den da sem jen da ula cha cha ba na nga ju gi lui de cha de re ani lui na la nga ju de du nyong gi ro nga ju gi ke wa nga ma gi le zang yeng gi da de du nyong yo re ti pe na khangba la cha ba cha la de khangba gi da be ju dang gi ma ro wa khangba nang la da yo re de be ju dang gi ma re ti na shi gi nga ju gi sem gi de du de chi ta lui gi nyong gi ma re sem gi nyong gi re de hin nang kho बेजो दांगेंदी ता गाजोगे बेजो योबा दांग योबा जोयादि गाजो लुई खोरांग दांग देनि सेम दिगि जोगियो।
this. Somebody don't need to watch you show us. The any as the Chitam Nambashuna Rikbachimba, Tayanta Shibikapsu, any Karsangago Shai Kapsu, Chichi Sheet on a Shire, and Tanta Chichi Sum Sonsra, Tupjisum, any Shady Shola Yobache, any Tupjet de Maduba in Bache, any Tanashi. Chapting Yavala, Tangas, Cantaria, Tashuni Parla, Joa, Yuajukores, Chejusuma, the Sumason, and Jonas the Shuna, like Cheju Shil and Shigir, Requestion Bagata, Kitella, and in Semangara, but the Chirapaki Joa, Minasams of Koronsagra, and a Kasi Koronsugi, and a Semangara, but the Chirapaki, and Diki Chapari Insona, Chichi Shil and Chejungatera, and a Koronsugi Shuna, and Gabinam Shadow Yuri, Marisra, Semangara, but the Semachirapi, and Gabado Yures, Gaba Yuna, and a Nazuki Dena. Tiki chapter Matoya, Tunki chapter shoes at home in the sheet of the Sumdela, and candidate what is on us, and Tonto Tioni, Tancho in the party. Lastless. Abnejo Neke, Usmejo, Praman, Onekile, Jusco, Praman, Sadit Kiata, Usmejo, and Luke Sade, Sadden, or Hitu, Puxie, Puxteen, Puxakata, Ligan Apka, Kenaike. हम लोगों के जो बौद्ध शास्त्र हैं उसमें ये आता है कि न्यायिक जो है चार हेतु को मानते हैं तो ये चार हेतु को मानना क्या प्राचीन न्याय और नवे न्याय के हिसाब से है या क्या फिर चार है तो नवे न्याय ने उसको तीन बना दिया तो उसमें नवे न्याय प्राचीन न्याय में कोई मतलब विवाद है नहीं, क्या नहीं सर देखिए हमने जो अपने प्रस्तुति में बताया वह सत हेतु होने के लिए क्राइटेरिया आधार बताया कि तीन आधार होने चाहिए पक्ष पर साध्य का रहना पक्ष पर हेतु का रहना और पक्ष एवं साध्य के बीच में व्याप्ति का होना साध्य और हेतु के बीच में व्याप्ति का होना आप जिन चार अथवा पांच वस्तुतः न्याय में पांच रूप बताए गए हैं हेतु के पक्ष सत्व सपक्षसत्व विपक्षासत्व अबाधितत्व असत् प्रतिपक्षितत्व ये हेतु के पांच रूप हैं बौद्ध दर्शन अथवा मीमांसा और वेदांत में इन्हें तीन रूप माने गए हैं त्रिरूप लिंग मानते हैं अन्य दो लिंगों का दो स्वरूपों का अंतर्भाव इन्हीं तीन में हो जाता है वह अलग चर्चा है यह अनुमान के आधार हमने बताया है कि अनुमान तभी सत अनुमान कहा जाएगा जब इन तीन आधारों पर वो खरा उतरेगा इसका हेतु के स्वरूपों से साक्षात संबंध न होते हुए भी परंपरा संबंध हो सकता है बाकी दो जो रूप है वो हां बाकी दो रूप अबाधि तत्व और असत प्रतिपक्ष तत्व हमने अपने प्रस्तुति में जब हित्वाभास प्रस्तुत किया था उसमें बाध नामक एक हित्वाभास बताया बाध नामक हित्वाभास का मतलब क्या होता है कि साध्य का अभाव जब पक्ष पर निश्चित हो जाए तो वह बाधित कहलाता है आप इतना बताइए फिर मैं बोलता हूं दंदा खोरांगे सुंगे दिलेया दंदा गाजोगी यांग दक बाय da ngazugi yang da be tenzik di dupa la dan da ngazugi korang gi she sung be di sum du la ngazugi dup je che deni tenzik deni cho di bara gi delwa di ta chirdang gi dire hina yang korang gi ngone gi luk dile ya ngazu nga peje tanje kora kegi sung na wadi da nga di yore sung du di daging azu gi tensik tanang shebe kala ya yang ji ge tensik ki kyen da ji sung na zo ma zu gi bad sen ne ji da di sung na zo ma di na la peje yong ge se बाध के संबंध में एक बात जाननी आवश्यक है आप बैठे यू कैन प्लीज सिट देखिए हम न्यायालय का एक उदाहरण देते हैं किसी जज ने न्यायाधीश ने किसी व्यक्ति को अपराध करते हुए अपनी आंखों से देखा वह जानता है कि यह अपराधी है किंतु न्यायालय में चर्चा करते समय कुछ ऐसी प्रतिपक्षी की युक्ति आ गई कि वह
सिद्ध करते देता है कि अयम न अपराधी, यह अपराधी नहीं है। वह प्रमाण प्रस्तुत कर देता है कि जिस समय हिंसा हुई, जिस समय चोरी हुई, उस समय वह इस स्थान पर नहीं था, यह हेतु देता है। और उस हेतु को प्रमाणित करने के लिए वह ट्रेन का या जहाज का टिकट, होटल का बिल आदि प्रस्तुत करता है और यह सिद्ध कर देता है कि यह यहाँ नहीं था। अब जो यहाँ नहीं है वह उस समय वहाँ चोरी नहीं कर सकता, ये व्याप्ति है। यहाँ एतत् स्थान वृत्ति ही नास्ति, सह तत्काले चौर्यम कर्तुं नार्हति, यह व्याप्ति है। और दिस व्याप्ति इज वेरी मच स्ट्रेंथेंड। लेकिन जज जानता है कि इसने चोरी की है और इस कारण से उसके हाथ बंधे हैं, क्योंकि वह प्रमाण के आधार पर ही प्रमेय का निश्चय करता है, प्रमेय सिद्धि प्रमाण आदि, और इस प्रमाण में कोई दोष नहीं दिखता है, यह व्याप्ति सिद्ध है। और वह गलत निर्णय दे देता है, यह जानते हुए भी कि इसने चोरी की है, वह निर्णय देता है कि चोरी नहीं किया है। हमारे शास्त्रकारों ने एक उपाय बताया है कि इस तरह का व्याप्ति जहाँ अदुष्ट हो वहाँ, और हमें प्रत्यक्ष से यह ज्ञात हो रहा हो कि इसने चोरी की है, बाध निश्चय हो, तो हमें विपरीत निर्णय नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनुमान के लिए हमने बताया था कि व्याप्ति का निर्णय होना, हेतु का पक्ष पर निर्णय होना और साध्य का पक्ष पर होना तीन आवश्यक हैं। तीनों में से एक भी कटता है तो हेत्वाभास होगा। अभी क्या कटा? पक्ष पर साध्य नहीं है, अर्थात अयम चौर्यवान नास्ति, इस प्रकार का निर्णय नहीं है क्योंकि इसने चोरी की है, ऐसा स्वयं न्यायाधीश ने देखा है। हमारा शास्त्र यह सजेस्ट करता है कि आप इस हेतु का पुनः परीक्षण करें। पुनः परीक्षण करने का मतलब क्या है कि आपको अगर बाध निश्चय है तो हेतु निश्चित रूप से दुष्ट होगा, या तो व्याप्ति गलत है या तो पक्षधर्मता गलत है। तो व्याप्ति क्या थी कि जो यहाँ नहीं है वह चोरी नहीं कर सकता, इस व्याप्ति को आप खंडित नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह प्रमाण सिद्ध है। तो आपको केवल यह बताना पड़ेगा कि अयम अत्र नास्ति, यह जो उसने हेतु का निर्णय बताया था वह हेतु का निर्णय गलत है। इसके लिए आपको न्यायाधीश को यह सजेस्ट किया गया था कि जिस आधार पर उसने यह हेतु का निर्णय दिया था उस आधार को आप गलत सिद्ध करिए, अर्थात जो होटल अथवा उसके बिल हैं वो फेक हैं, यह जब तक सिद्ध नहीं होगा, यह जाली है, यह जब हो जाएगा तब हमारा बाधित हेतु कहा जाएगा। इसलिए अगर बाधित हेतु है तो उस हेतु के द्वारा साध्य का निश्चय नहीं हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि सीधे सीधे हमें बाध का निश्चय नहीं होता है, जैसे बाध के निश्चय के लिए हमने दंडी ला गे बाद से अदगिन जे गे तेंजिक तंडी दिक खोरंग सूना सो दी ला देने गे खंडे योंग लबे गल्ला पेना गे चितंग दी सूम गे बारा गे ढेलवा दे चितंग चिक जेना मोहबे वांगी माइ बच्चे की वांगी लब गए तीना डाव चिक पेना दी ला पे डाव खोरंग सूना गिदो पेना गे ठिम्बोन डाव चिक लाया ठिम्बोन गि दुन ला ता मी चिक दे क्यों योबा चिक यहाँ मी चिक क्यों जे योबा दे खोरंग ठिम्ब खोरंगे वही जू थो योबा वो जुम जू थो योबा ता दिना डो योबा ही ना दा खो ठिम्ब दे खोरंग दा खो वो ने घर जे योबा दे यहाँ डूब जे छे में गोने को डूब गए बाइन दू जाने तेने खो जो गे ठिम चे गें दी जो गे दा खो डूब जा दे गें खो खोरंग थोया थो रे दे इन्हें खोरंगे दा गा दे दु दिन मैच गा जे मैच जे मे बे गुम दिन गाय से ना ये दी ला कब दी ला देर मैच है ने ना ट्रेन टिकट दो यहाँ झेम्बा दो सजा झेम्बा लाइ पे दा प्रूफ दो त्यों हो रहा त्यों गिर रहा दा त्यों बे कब ला देने गाजो की चिता दो चाह जाना को क्या पा रे सर जस पेना दो से ना कुमा दो कुया ना कुमा कुआ दांग को ट्रेन ला डोगी हो पादा झेम्बा चिक ला दंदा कुमा साना ला कुई हो पाई ना अनि खो ढोया दी दा दंदा लखनऊ लाइ पाई ना खो खोजी दा घलवा रहा खोजी दा ढुगी मारवा चिक चिक ला ढुगी मारे तीना दवा इम्बे कल लाया दा दे खोरंगे ठिम्बे दे गे वही सुने थोंग सारे
दा दीला गंडे जे गोरे चितन ख्यापा डुब डोगी ओरे खोला नेपा डो तांगो गी ओरे दी दा ते थिमबो याबो जि गिम बाई ना यांग दीला या खोरांगे पेना फाजो दीला गरसा खोरांगे पेना ट्रेन टिकट डो ते बादा फगी योसिया दी दा यांग खोरांग फगी डो मे बादा दिसु डुब गो छागिरवा खोरांग ओने गी डुब याला दागा से जें को दा खो थार डो गी रो को खोरांगे दी गाजो गी सुमा इम बाई ना यांग को थार डो या गी दी ओरवा दा दीला हिजे मे जे गाजो गी ख्यापा दी आनी गाजो गे दंता बाद निश्चय से यदि हिंजी मिची योंग गो आइंदो जानी बादा यो ना ते आता आता ना छाटो गिरे दंता दी बादा यो मारे को गाई से ना कुमा दी साना लगु बचे यो बादी खोरंग दा लगनो यो से ना खोगी दा चिक शुगु चिक तो योंग गेरो दा दी ला देने खोरंग गे लेंगेन दे ठिंपों दी की घरे चो घरे छाटो गिरे से ना देने खोरंग गे टिकट दी जुमा इन बादा या ना फागी मैं पाई ना शेम्बा गी दा मांगो चिक था विशेदा यो दे यो रे दा दी दाओ डूबो छा गिरे घासी आने दी गाजो गे खो गे दंता गांग तो बाद टिकट ना गांग तो बाद जुमा इन बादा दी डूब मधु बाई ना खो दा गांग थों वाजाम गी आनी गाजो दी डू थुकी मारे मोइसु हिम्बाई ना यांग आनी खोरांग गे चावे दी मै पा दांग पेना साना ला कुमा कु यो पा दी कबला खो लखनऊ यो पा दी नी खो ख्याप गे मारे ख्याप पा माइम बाई गिन जंगे खो गरसा खो गला गाजो गी नेपा दांग यदि योंग छोगी मारे दादा दी छो से दिखने छू गोर से ना कुंग छू शी द छू गा दिने छू यंग दुआ दादा खुरान सुन ये दिलिया दे दादा खुरान तें ये दी ရိပချင်ဘဲကေရှုံလူနာလျာအနိချူဆုံဘူဒီဇောရကျဘချိကထောနေအနိရှေယုံကိုရစီနေချူရှိဒူကိုရစီချူငါဒူကိုရစီချူရှေညူဒီချူဆုံကနာလျာဒူဒူဘဒုစ်တပင်းနထန်တဲ့ပေကျူရဘထန်တဲ့ချိကဆုပေဆွင်ချိကဆုံဆောင်အတီချင်ဘဲဒီဒူနေယာပေချိကေဂျူဂျေချွေဂျေတာချေဒီဇူရှိတင်ဒူဂျေချွေဒတာညီကလိုဇူရှိတင်ဒူယေကူကိုရစီအနိကုမငေချင်းဒီချင်ဘဲဒီကထောင်းယွနေယာ अनुकूल भगे ठिमका ना चुप क्या भी देखो दे मैं ऐसे चल दियो गाने या अनुकूल कंसा दे अन्य चीज़ की चुशी दे ही दी गाने या मेडू गाने या क्या बन ये को यमारे स क्या बन ये वो मेडू गाने या कोल या ये बतान तोये यमारे स इने ठिम्बियों कोरां के उन्हें सुथाऊं यंदू गाने या दी कब लिया ता खारे चेकु को यारे अन्य तेंजू दे ठिम्बे लामने अन्य खारे चेकु को यारे से ना अनि ता दी तंतु खुरान दे कब दी दी मैं से है के ता यांदा रुब्जी की नबतों यों है की शीतल या अनि चिंबियों खुरान के उन्हें सुतों में इंदू कान लिया ता दी शीती तें लिया ये बते उन्हें सुतों दू कान लिया कोई तंतु रुब्जी क्यों है दी अनि समा मायन बजे यांदा मायन बजे दी डूब गया रे दी डूबे लिया कोई शुगु क्यों है ता दी रुग्यू नालो लिया ये बेला के क्यों है ता अनि दिन्दे की तेजु चुमा यिन बजे कोई डूब दो सोना अनि हिने ता यांदा छा यों को रे क्या बते के डूब यों दू कान लिया चुसुम डूब यों दू कान लिया अनि ये बा ये जें दी लिया अनि ये बा तांतु ये छा गया रे लस्तो चना यां जा ठेवा तुम तुम जीबो अनि दे मर मर तुझे कुछ शीत शीत पाबंदी के कारण अब ज्यादा नए प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे लस्तो चना तो चना लस ठेवा दी थामा है ऐसा तुझे मिंदोस तुझे जोर दोस इन ठेवा दी थामा है सुन दो ये ठेवा रहे प्रश्न खत्म प्रश्न हो सकते हैं लेकिन मुझे आयोजकों ने बताया है कि शार्प एक बजे यह खत्म करना है और एक तो बज गया है मुझे लगता है इसलिए जो भी प्रश्न होंगे वो हो सकता है आप बाद में यानी लिख कर दीजिए उससे माननीय वक्ता लिख कर भी उसका उत्तर देंगे ऐसा कुछ ये चर्चा तो होनी चाहिए चलती रहनी चाहिए मुझे तो लगता है कि ये जो आप अब जो चर्चा हुई यह प्रारंभ मात्र थी क्योंकि जो बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हो सकते हैं बौद्ध और न्याय के बीच में कुछ प्रश्न ज़रूर सामने आए जैसे कि ये धर्म धर्मी संबंध और बौद्ध मानते हैं कि जो धर्म है यानी मनुष्यत्व जैसा धर्म है वह सिर्फ अपोह के रूप में ही समझा जा सकता है एक वास्तविक धर्म के रूप में नहीं समझा जा सकता तो ये मुद्दा जैसे सूचित किया गया लेकिन आगे उसकी चर्चा नहीं हो पाई और भी कुछ सवाल जैसे ये नक्षत्र दो नक्षत्र एक ही काल में उदित होते हैं तो इसके बारे में प्रश्न पूछा गया लेकिन बौद्धों के सामने यह समस्या हो सकती है कि अगर ऐसे दो घटनाएं एक ही काल में भिन्न भिन्न जगहों पर घटती है तो व्याप्ति बन सकती है क्या क्योंकि उनके उनकी दृष्टि से व्याप्ति दो ही
परिस्थितियों में बन सकती है। एक तो कार्य कारण भाव होना चाहिए, नहीं तो तादाद में होना चाहिए। तो ये दो, इन दो नक्षत्रों में कार्य कारण भाव भी नहीं है और तादाद में भी नहीं है, तो कैसे व्याप्ति बन सकती है? इस प्रकार के कई प्रश्न उठ सकते हैं। तो मैं वक्ता को, राजाराम शास्त्री शुक्ल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक चर्चा शुरू की, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रसंग बार बार उपस्थित किए जाए और इस प्रकार की चर्चाएं बार बार हो। धन्यवाद। तंदा जोगी दुजुक्यों बेवांगे दांगा जोगी मांगबोजी का दिवा दिलेंगे दी दुजु मिंदुस चेतांगा जोगी दंदा दिवा गर्सांगा जो दिवा दिलें पे या बोले चासों हिनायां तंदा जोगी नांगबा दांग दारिक बाजें पे कोलाया गा जोगी दिवा ता चेतांगे दा तेस गा जो गोचुक चार्जरे हिनायां दा जी मांगबोजी का रे गा जो या बोजी दिवा योंग हो गये रिते तंदा दुजुक्यों बेवांगे दी जुग मांसों पे ना दवा चाशना गा जोगी danda ngazogi nangbasanje be dewe wangdu jebaina da jingde na de jungde gi thone dub go gyare dagin khorang ge be na mindu dang de joi wang gi chi sung nang zon dui dang ani di zo gi wang gi di na la da jingde de jungde ga ne dub yong gi re di zo go la mang bo ji ngazogi che ba ji go ya ji dang de ni ngazogi da dung yang ngazogi mang bo ji ka la danda korangi diwa sungshe pe yakbo nangzong dila ni tukji jeshu gi yin sin.